Good morning children. How are you all? Welcome back. SST class. Today I will teach you lesson number four in the part of Geography. Motions of the earth. The means of rotation and a revolution. You know, the earth moves in two different ways. The two different ways. The first type of movement is its rotation that's around the imaginary axis. The second moment, it is a revolution that around the sun. You know, every day we can see the sun appearing in the sky. It rises in the east and set in the west. It seems to be moving across the horizon, but actually, the sun is a stationary body. Let's start here. लेसन आस यू नो the spinning of the earth is called rotation. The मोमेंट of the earth on its axis is called rotation. जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ के घूमने के रोटेशन कहा जाता है जैसे आप जानते हैं कि अर्थ के घूमने को हम कहा जाता है रोटेशन मीन्स वह काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे हम कहा जाता है रोटेशन द अर्थ एक्सिस इज एट एन एंगल ऑफ 66 सिक्स वन बाई वन बाई टू डिग्री टू द ऑर्बिटल प्लेन विच इज़ एन इमेजनरी प्लेन फॉर्म बाई द अर्थ ऑर्बिट इफ ए वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल ऑर्बिटल प्लेन द एक्सिस फ्रॉम एंगल ऑफ ट्वेंटी थ्री वन बाई टू डिग्री विज द वर्टिकल लाइन दिस इज कॉल्ड एर्थ एंगल ऑफ इनग्लेशन एर्थ की दूरी सिक्सटी सिक्स 2 डिग्री के कक्षीय तल पर है जो प्रति पृथ्वी की कक्षा द्वारा निर्मित एक काल्पनिक विमान है यदि एक लंबवत रेखा परिक्रमा तल तक लंबवत खींची जाती है और उर्दवार पर रेखा के साथ ट्वेंटी थ्री 2 डिग्री का कौन बनाता है इसको हम कहते हैं चुकाव का कौन मीन्स इनक्नेशन द एक्सिस एंगल ऑफ सिक्स टू द प्लेन ऑफ द is ऑर्बिट एर दिस इनक्नेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस From the above image, it can be see that the part of the globe which faces light from the torch is illuminated, and other part is in darkness आपको ए इमेज में देख सकता है कि ग्लोब के जिस हिस्से में टॉर्च से लाइट आती है वह हमको जानते हैं कि रोशनी वाला है और दूसरा हिस्सा अंधेरे में है एट द पिक्चर ऑफ द वन साइड इज लाइट एंड अदर साइड इज डार्कनेस ओके टॉर्च के टॉर्च से हवा मतलब सॉरी टॉर्च से एक लाइट आती है वह हम जानते हैं कि रोशनी वाला है और दूसरा साइड में अंधेरे में है सिंस द ग्लोब कैन बी रोटेट ऑन हिस एक्स वी कैन सी स्पिन इट टू सी हाउ डे एंड नाइट ओकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ पृथ्वी को मतलब ग्लोब को उसकी दूरी पर घुमाया जा सकता है हम इसे देखने के लिए स्पिन कर सकते हैं कि पृथ्वी के डिफरेंट हिस्सों में दिन और रात कैसे होते हैं यू न दैट वेन द अर्थ रोटेट्स ऑन एक्स एक्सिस ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रम फेसेस द सन एट द पोर्शन ऑफ फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे व अदर हाफ वे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट डूरिंग दर्थ रोटेशन ओनली हाफ ऑफ दिस फेसस द सन एटाइनिंग गिवन टाइम पृथ्वी के घूमने के दौरान इसका आधा हिस्सा किसी भी समय सूरज का सामना करता है जबकि अन्य आधा सूरज से दूर रहता है इव इट्स डे टाइम On the part of the earth that faces sun, while this night other half, the circle that divide day and night the globe is called circle of illumination. इर्थ के उस बाग पर दिन का समय है जो सूर्य का सामना करता है जबकि रात दूसरे में होती है ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले सर्किल को हम कहता है रोशनी का सर्किल कहा जाता है द means ऑफ illumination. the circle which is goes around the earth and separates day from night is called a circle of illumination Me means that we can see that circle of illumination in an imaginary line which separates the lighted part of the earth from the dark is one the earth स्पिन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट दिस गिव एन इल्यूशन ऑफ द सन राइसिंग फ्राम द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट इवन दो द सन इज स्टेशनरी दर्थ टेक्स ट्वेंटी फोर आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड अर्थ डे और सिम्पली ए डे अर्थ पश्चिम से पूर्व की घूमती है इर्थ का एक चक्कर पूर्व से उगता हुआ सूरज और पश्चिम में स्थापित होने का भ्रम देता है और पश्चिम में होते हुए सूर्य अस्त हो जाता है इर्थ को एक चक्कर पूरा करने में लगभग ट्वेंटी फोर आवर्स लगता है इस दूरशन को हम कहता है प्रतिदिवस या एक दिन कहा जाता है can you imagine what would happen if the earth did not rotate the side of the earth facing the sun would be extremely hot while the other side will be darkness and be too cold life will be not possible on the either half of the earth क्या आप सोच सकते हैं कि अगर पृथ्वी नहीं घूमती है तो क्या होगा सूर्य के सामने पृथ्वी का पक्ष अत्यधिक गर्मी होगा जबकि दूसरा पक्ष अंधेरे में होगा और बहुत ठंडा भी होती है के आधे हिस्से पर जीवन संभव नहीं ने होगा नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाई डिड फेब्री हेज 20 2016 थाउजेंड सिक्सटीन हैव ट्वेंटी नाइन डेजनो देर आर थ्री हंड्रेड सिक्सटी फोर डेज इन ए कैलेंडर ईयर जैसे आप मानते हैं कि एक साल में कैलेंडर में 365 डेज होता है दर्थ टेक्स 365 डेज एंड सिक्स अवर्स टू कंप्लीट वन अराउंड द सन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी इग्नोर द क्वार्टर व्हिच इज सिक्स अवर्स एंड थिंग ऑफ एयर्स एस हैविंग थ्री डेज जैसे हम मानते हैं कि एक साल में कैलेंडर में थ्री डेज होती है प्रति को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज और सिक्स आवर्स लगता है हमको जानता है हम केवल थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव दिनों से युक्त वर्ष मानते हैं और सुविधा के लिए सिक्स आवर्स की उपेक्षा करते हैं मीन्स इग्नोर करता है जो बाकी वजह सिक्स अवर्स हर साल एक दिन बनाने के लिए जोड़े जाता है यू नो स्टूडेंट्स जो हमको समयोजित के लिए तिमाही दिन मतलब डे को उपेशा करता है जो सिक्स आवर्स एक वर्ष को थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव दिन माना जाता है ओके ओवर फोर इयर्स

अधिशेष दिवस फेबरी के मंद में जोड़ा जाता है इस प्रकार हर फोर ईयर्स फेबररी के मंद में ट्वेंटी नाइन दिन होता है ऐसा वर्ष जिसमें फेबरी के महीने में ट्वेंटी नाइन दिन होते, इसके हम लीप ईयर के रूप में माना जाता है इसलिए हर फोर ईयर्स में एक बार लीप ईयर आता है मीन्स दैट द पीरियड ऑफ टेकन बाई द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड कैलेंडर Year year has three hundred sixty four days and is six hours in duration. Example three hundred sixty four one by fourth day that quarter day upon ubesha karta hai. After every four years, the six hours add up to one extra day. This one day is added to the fourth calendar year, so that is as three hundred sixty four days. Every fourth year, the amount of February has twenty nine days instead of the usual twenty eight. डेइस एयर कमराइसिंग थ्री 365 सिक्सटी फाइव डेज इज कॉल्ड लीपियर हर फोर साल का बाद में हम लीप ईयर माना जाता है ओके द फेब्रुरी दिस इज वाई एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर ओके स्टूडेंट वी काउंट वन ईयर टू हैव टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज एंड इग्नोर सिक्स आवर्स को बेशा करता है आफ्टर फोर ईयर्स द सिक्स आवर्स एड अप टू बिकेम ट्वेंटी फोर आवर्स डे द एक्स्ट्रा वन डे इज़ आर्डर टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी मेकिंग इट ट्वेंटी नाइन डेज देयर फॉर एवरी फोर्थ ईयर हैज़ थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज दैट इज मीन्स नॉन आस लीप ईयर विच इज़ नॉन ए लीप ईयर